हाइफा, हाइफा भी जो है ये दो टाइप को देखने को मिलेंगे, है ना। तो हाइफा पता है क्या होता है, ये सिंगल फिलामेंट होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन सेप्टेट और दूसरा होता है सेप्टेट। तो सेप्टेट यानी कि जो सेप्टा, सेप्टा से डिवाइड हुआ हो। तो सेप्टा क्या होता है, सेप्टा जो है हाइफी आर डिवाइडेड इनटू सेल्स बाय इंटरनल क्रॉस वॉल, इंटरनल क्रॉस वॉल है ना, कॉल्ड सेप्टा। यानी कि कोई भी हाइफा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हाइफा है, जैसे ये हाइफा यहां बना हुआ है और इस हाइफा के बीच में ये जो वॉल बना हुआ है, इंटरनल वॉल है ना, दो सेल को सेपरेट कर रहा है, एक सेल इधर हो गया एक सेल इधर हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्टा। इसको क्या बोलेंगे, सेप्टा। तो जिसमें सेप्टा नहीं होगा वह नॉन सेप्टेट कहलाएगा और जिसमें सेप्टा होगा वह सेप्टेट कहलाएगा। तो नॉन सेप्टेट में क्या होता है कि इसमें सेप्टा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियस फ्रीली जो है सब पूरे हाइफा के अंदर मूव करते रहता है, तो इसलिए इसको जो है सिनोसाइटिक कहा जाता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक। लेकिन जो सेप्टेट होता है यानी जिसमें जिसमें आपको दो सेल के बीच में एक पार्टीशन देखने को मिल रहा है, एक वॉल देखने को मिल रहा है, तो इस ये इसकी हम लोग इसी वॉल को हम लोग सेप्टा बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेप्टेट हाइफा बोलेंगे, इसको सेप्टेट हाइफा बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है सो हर सेल अलग अलग है और सबके अंदर न्यूक्लियस है और सभी जो है सो सेप्टा के द्वारा डिवाइड है। अब इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जो सेप्टा से डिवाइड है, तो इसमें अगर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है तो वह यूनि न्यूक्लियस कहलाएगा। अलग अलग जेनरा में आपको अलग अलग ये देखने को मिलेगा, बहुत सारे में जो है सो एक सेल के अंदर एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस रहता है तो उसको बाई न्यूक्लियर बोलेंगे, और बहुत सारे में जो है सो एक से ज्यादा दो से भी ज्यादा न्यूक्लियस रहता है तो उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लियर कहते हैं। तो ये आपको अलग अलग जेनरा में, फंजाई के अलग अलग जीनस में आपको ये अलग अलग देखने को मिलेगा।